पहनदियां ने कभी गर्मी के अंदर आप देखिए किस तरीके दे नाल मिट्टी चो खुशबू आती है। इस तरीके दे नाल ज्यों धरती सोभ करे जल बरसै त्यों सिख गुर मिल बिगसाई। सिख जो गुरु नूं मिलदा है भाव जो गुरु शब्द दे नाल जुड़दा है भाव जो उन्हूं गुरु शब्द की समझ दे फलस्वरूप वाहिगुरु हर चीज विच दिसदा है। इस तो भाव कि जदों वो हर एक नूं रब दा रूप समझदा है इस खेड़े विच रहण वाला सिख उस वेले उस तरीके दे नाल बिगसता है जिवें धरती दे उपर वो पहलियां पईयां बरसात दीयां बूंदां खुशबू और महक दिंदियां ने। धरती सोग करे जल बरसे जो धरती सोग करे जल बरसे जो सिख गुर मिल बिगसाई। जो सिख गुर मिल बिगसाई
सद्गुरु जी ने गुरु उपर पूर्ण विश्वास उदी तांग और उदे चरण कमला उपर उदे दर्शाए हुए मार्ग ते चलन दी तांग नू कंटिन्यू रखन दा इह शब्द है जिहदे विच कंसिस्टेंसी नू बहुत एम्फेसाइज कीता है सतगुरु जी ने। चखण चांगी मीहों वरसै भी गुर देखण जाई, समुंद सागर होवे बहु खारा गुरसिख लंग गुरु पै जाई। गुरबाणी दी सब तो वड्डी खूबसूरती यह है कि यह सधारण भाषा दे अंदर लिखी और गाई गई है, इस नू बहुत ज्यादा व्याख्या करन दी लोड़ नहीं पैंदी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ज्यों प्राणी जल बिन है मरता, त्यों सिख गुर बिन मर जाई। जिस तरह पानी दा और जल दा मेल है, इसे तरह सिख और गुरु दा मेल है। कंसिस्टेंसी इज द नेम ऑफ द गेम। इफ ए ह्यूमन वांट्स टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एंड दिस शब्द एम्फेसाइज़ ऑन कंसिस्टेंसी। कुछ भी हो जाए मैं गुरु का मार्ग नहीं छड़ना, कुछ भी हो जाए मैं गुरु के मार्ग नू अपनाना है, और कुछ भी हो जाए मैं गुरु का सिख बन के जीना है। सो गुरु का सिख कौन है, यदि परिभाषा बहुत कंपलैक्स एंड कॉम्प्लीकेटड बना दी है ऑर्गनाइज क्लर्जी ने, क्योंकि उन्होंने बड़ी ही लिमिटेड इनफॉर्मेशन है, लिमिटेड एजुकेशन के नाल वो इस तरीके दे नाल कंपलैक्स चीज़ नू होर कंपलैक्स बना देंदे हैं। आइंस्टाइन ने कहा है कि जीनियस एदे विच है कि किस तरह कंपलैक्स चीज़ नू सिंपल बना के दसिया जाए, एदे विच जीनियस है। तो कई मेरे वर्गे मूर्ख सिंपल चीज़ नू भी जदों कंपलैक्स बना देन, उत्थे जीनियस तो बहुत दूर की गल है, मूर्खता का प्रमाण मिलता है। सो कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी गुरु ने सिखाई है, और एक कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी ता ही बनेगी जदों सानू गुरु ते पूरा विश्वास आएगा कि ये गुरु ग्रंथ साहिब जो कि कोई मूर्ति नहीं है, एक कंसेप्ट है, और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कंसेप्ट दी असी पूजा करते हाँ। असी जिल्द दी या रुमालियां दी या पालकी दी पूजा नहीं करते, एक कंसेप्ट है जिहदे विच तीह भगत वख वख वर्णा जातियां भाषावां तो और कितियां तो वख वख प्रोफेशनां तो वख वख एक्सपर्टी लैके बैठे हैं, पर केवल सच की गल कर रहे हैं। जदों असी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं सीस नवाने हां, उस वेले असी हर एक भगत नूं भारत वर्ष दे भावें किसी भी बैकग्राउंड संपर्दा दे होण उन्हां नूं भी सीस नवाने हां। यह है कॉन्सैप्ट गुरु का। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मूर्ति मनना एक बहुत भारी मनमत है। असी जदों श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अगे नमस्तक होंने हाँ, उस वेले असी उस कॉन्सैप्ट नूं जो गुरु नानक ने लिआंदा उहनूं मत्था टेकदे हाँ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अंदर सूरदास जी का भी एक दोया है, अन श्री भगत सूरदास जी श्री कृष्ण जी के उपासक सन। सो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने भगत फरीद, भगत कबीर, भगत सूरदास, भगत रविदास, सदना जी, ये गुरबाणी जी है वह इस तरीके का प्लेटफॉर्म सतगुरु ने बनाया कि किसी सिख नू किसी भी समाज किसी भी व्यवसायिक बैकग्राउंड और किसी भी सच गल करने वाले मनुख दे नाल घृणा ना होवे। एक कॉन्सेप्ट है, यह एक इंद्रधनुष, यह एक रेनबो ऑर्गेनाइजेशन सतगुरु जी ने बनाई है, जो दुनिया के उपर एक मिसाल है। जे दुनिया के उपर कोई सब तो वधिया इंटरफेथ है तो वह सिखिज़म है, और असी इहनू इस तरीके दे नाल ही रखना है। यही साडा गुरु दे नाल नाता और कॉन्ट्रैक्ट है। जे असी गुरु दे इस कॉन्सेप्ट तो अलग हो जाने हैं ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਾਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ।
आओ उस गुरु की गल करिए जिन्हें सानू इस साझीवालता का कंसैप्ट दिता। सिख की हुई कोई परिभाषा नहीं है। साड़ी पंचकारी रहत साड़ी उपर की रहत है, साड़ी अंदर की रहत वो है जो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर एज ए कॉन्सैप्ट डिफाइन की गई है। और ये अंदर जिहड़ा साडा गुरु दे नाल कॉन्ट्रैक्ट है, संबंध है, अग्रीमेंट है, वो यही है कि सतगुरु साड़ी उदों तक ही बांह फड़दे हन जदों तक असी इस कॉन्ट्रैक्ट नूं निभाउण वास्ते तत्पर रहने हां। भाव जो असं कहने रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना है, रहत यही है कि असी किसी दे नाल नफरत नहीं करनी, किसी नूं जज नहीं करना, असी किसी नूं उच्चा नीवा नहीं कहना। हाँ, कर्म कांड, पखंड, सुपरस्टिशन इन्हां नूं असी निंदना है, लेकिन बड़े सॉफ्ट तरीके दे नाल, क्योंकि जे ये लोग करते हैं, जो भी लोग करते हैं ऑबवियसली उन्हां दा स्तर, उन्हां दा जिहड़ा सोचण दा तरीका है वह ऑबवियसली अजे उस तरह नहीं पन पिया कि गुरु के कॉन्सैप्ट नहीं समझ पा रहे। लेकिन चूंकि बहुत वड्डी पापूलेशन अजे भी कर्म कांडा दे विच फसी हुई है, असी हर एक बंदे नूं रूल आउट नहीं कर सकते। उन्हूं जगह देनी जरूरी है, उन्हूं स्पेस एंड प्लेस दोनों देनिया जरूरी हैं। असी उन्हूं जज ना करिए और जिथे भी खड़ा है असी उत्थों उन्हूं हैल्प करने की कोशिश करिए। जो कॉन्सैप्ट
साढ़े अंदर अज समाया है या स्थिर होया है, इनू बहुत साल लगे हैं, बहुत कड़ी मेहनत हुई है जी, लगातार हर दिन इस मन के उपर वर्क किया गया है, बहुत भारी तशद्दत और बहुत भारी तपस्या है एक तरह की जी असी लोगों ने की है। और सानू कॉन्सैप्ट क्लीयर होया है कि गुरु ग्रंथ साहब एक मूर्ति नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब जी के अगे खड़े होकर अरदास करना कोई जरूरी नहीं है जे तुसी उन्हां दे कॉन्सैप्ट नू मन्ना ही नहीं है। तो सो कॉन्सैप्ट गुरु ग्रंथ साहब का यह है कि सारे भगत और उन्हां दियां सारियां बैकग्राउंड्स और उन्हां दे विचार और उन्हां दी जिहड़ी इश्क है वाहिगुरु बारे, प्रकृति बारे, कुदरत बारे, उन्हूं असी नमस्ते करते हाँ, नमस्कार करते हाँ और उन्हां नूं असी गुरु दे तुल ही थां दिंदे हाँ। सो यह कॉन्सैप्ट है गुरु ग्रंथ साहब का सांझीवालता का, जिन्हों असी कभी भी इनकार नहीं कर सकते और इस तो कभी भी अभी मुकर नहीं हो सकते, असी कभी भी रिजैक्ट नहीं कर सकते। सो दीज आर दी वेरी फंडामेंटल थिंग्स इन एज ए कैरेक्टर ऑफ ए सिख, वी मस्ट शो दैट वी आर नॉट गोइंग टू जज पीपल ऑन द बेस्ड ऑफ कलर, देयर कैस्ट, देयर रिलीजन, देयर बैकग्राउंड, देयर नेशनैलिटीज, नन ऑफ दैट। We are first human beings and then we are anything else. And ehi message Guru Sahib ne jadon Maharaj Makka gaye hai ditta, puchhan phol kitab nu Hindu vadda ke Musalman hoyi, Baba aakhe hajiyan shubh amlan bajo dome roi. Ida arth kai bande hor tarah kadde ne ki mare ne kya dono jehde ne oh fazool ne, nahi mare eh kehnde ne dono theek ne par unna di foundation ki honi chahidi hai, shubh अमल। सो शुभ अमल जिहड़े ने, शुद्ध जिहड़ी लाइफ है, शुद्ध सोचना ते शुभ बोलना, यह सिख का काम है। अज का लैसन इत्थे खत्म है, आओ प्यार नाल एक बार दोबारा पढ़ लीए, उस तो बाद आपां भोग पावांगे।